गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे दादू का हैप्पी वाला बर्थडे है। आज मैं उनके लिए केक बनाऊंगी क्योंकि उनको बाहर का केक पसंद नहीं है और उनको अच्छा भी लगता है। और मैं अपने क्यूट से छोटे छोटे हाथों से उनके लिए केक बनाऊंगी। दादू जी अगर आप ये वीडियो देखो तो फेस पे स्माइल जरूर लाना। चलो शुरू करती हैं। केक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है बटर पेपर, किटकैट, किटकैट आपका ऑप्शनली है, आपको चाहिए तो ले लीजिए, इनो, टूटी फ्रूटी, जो भी बिस्किट है वो मेरे फेवरेट है, आपको जो बिस्किट चाहिए वो ले लीजिए, ओरियो, हाइड एंड सीक, जम्स जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है और अभी वो पीछे खड़ा है, अगर मैं 2 सेकंड भी इससे पीछे हूँ तो वो झटपट खा लेगा। अभी पूछ के देख लो। दीदी मेरे बेटा जम्स, अभी तो आपने बोला यहाँ पर जम्स पड़ी है। नहीं नहीं ये केक में लगाने के लिए, बाद में खाएंगे। ठीक है ठीक है दीदी, जब केक रेडी हो जाएगा ना उनमें से जम मैं पहले ही खा लूंगा। फ्रेंड्स अब हम इसमें क्रश करके बिस्किट डालेंगे, उसके बाद हम हाफ कप मिल्क डालेंगे, मम्मा की हेल्प करके फिर इसको ग्राइंड कर देंगे। अम्मा मेरी हेल्प करोगे? यस। चलो फिर हम क्रश करके डालेंगे। अभी मम्मा मेरी हेल्प करने गए हैं, तब तक मैं एक बाउल रेडी कर लेती हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसको हम अब ग्रीस करेंगे अच्छी तरह से। साइड से अच्छी तरह से होना चाहिए नहीं तो केक चिपका रह जाएगा। ऑयल को ग्रीस करने के बाद हम बटर पेपर लगाएंगे। फिर हम उसमें इनो का पैकेट डालेंगे। अब बैटर हमने इसमें डाल दिया है, अब बस इसको टैप टैप करना है ताकि जो इसमें हवा के बबल्स हैं वो निकल जाए। हल्का सा करना है। अभी रेडी है ओवन में जाने के लिए। अब हमारा केक आ गया है बाहर और हम कर रहे हैं इसको डेकोरेट। हमने किटकैट की बाउंड्री लगाई है और उसके अंदर हम डालेंगे जैम्स। चलो दादा आजा मेरी हेल्प करो। तो गाइस हमारा केक बन के रेडी हो गया है और हमने इसमें थोड़ी सी हर्शीज डाली है ताकि और अच्छा लगे। और अगर आपको हमारा केक अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताना। और अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दादू जी।